जी अस्सलाम वालेकुम। आज असा मूली गोश रिंडन का इरादा किया। मूली गोश बनावन वास्ते सानू चाहिए है गोश्त वास्ते मिसाला जड़ा सानू चाहिए है 1 किलो गोश्त, 1 फसल, 1 टमाटर, थूम की कट्टी। रले असा पिसाएं 1 वड्डी चमची सुरख मिर्चा की, 1/2 चमची लूण की, 1/2 पिठियां धनिया की, 1/4 हल्दी की। रले असा 1 मूली कुतर ली सें। थोड़े तो घर के नेड़े मूलियाँ खलोती हो सन, आराम न कट ली सो। बाद अस पहले गोश्त गली सें, उतु बाद अगला काम शुरू करे सें। जी व्यूअर्स, आज हम मूली गोश्त बनाने जा रहे हैं। हमें 1 किलो गोश्त में डालना है 1 अदद प्याज, 1 टमाटर, 1 कटी लहसुन। इसमें हम 1 बड़ा चम्मच सुरख मिर्च, 1/2 चम्मच पिसा धनिया, 1/2 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे। इसके अलावा 1 ताज़ा मूली को हम काटेंगे और मूली को दरमियान से 2 हिस्से करके इस तरह से 1/2 टुकड़े कर लीजिए। वो गोल टुकड़े ज़रा मुझे पसंद नहीं, वैसे आपको अच्छे लगे तो आप गोल भी कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम गोश्त गलाने का अमल शुरू करेंगे। जी, यह गोश्त हमारा भून चुका है और हमेशा जब मटन या बीफ हो, स्पेशली चिकन तो खड़ी गल ही जाता है, आप इसकी बोटी को ज़रूर चेक करके देखें। कई दफ़ा ऐसा देखा सुना गया है कि जब खाना मेहमान के सामने आया तो बोटी सही तरह से गली नहीं थी, तो इस स्टेज पे आप 2 कांटों की मदद से इसको चेक करके देख सकते हैं। ये देखिए, जब कांटा उसमें से क्रॉस हो गया, इसका मतलब बोटी अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे और ऑयल जैसे कि मैं खानों में कम ही डालती हूँ, तो मैं एक ही, ये लकड़ी की डोई है जो एक ही भर के डाल रही हूँ। आप अपने जो घर का माहौल है, कितनी तरी पसंद की जाती है, उस हिसाब से डालेंगे। और जब हमारा गोश्त भून गया, अब हम इसमें मूलियाँ शामिल कर देंगे। मूलियाँ हमने काट के पानी में भिगो के रखती थी। देखिए, अच्छी तरह से मूलियों को भूने भूनी सोनी करके लावड़ी है। उन्हीं का सारा सवाद इसे गल चेतिया कि तुस केड़ी सोनी भून की लाई है। ये देखो, खूबसूरत भूनी लगी पी है। सोनी भुनी लावन तो बाद इस पानी पावा है और पानी आप इतना डालें कि सब्जी और गोश्त को वो ढांक दे। ये देखिए, इतना पानी डाला गया है जिसने सब्जी और गोश्त को ढांक लिया। अब प्रेशर बंद कर दिया जाएगा और 10 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे तो हमारा मूली गोश्त तैयार होगा इंशाल्लाह। जी, 15 मिनट के प्रेशर के बाद ये देखिए मूली गोश्त तैयार है। आप मूली को प्रेस करके देख लें, गल चुकी है। अब हम इसे इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे। अगर आप पसंद करते हो तो इस स्टेज पे आप हरा धनिया भी डाल लें। इसके बाद मैं इसे डोंगे में डाल के उस पर गरम मसाला छिड़क देंगे। ये देखिए, मज़ेदार मूली गोश्त तैयार है। इस पर मैं थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क दूँगी। आप ही खाओ, अपने दोस्त अहबाब ने खवाओ। चपाती के नाल यदि शान ही कुछ होर है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थोड़ा बहुत शुक्रिया।